कैसे हैं आप सब लोग और आपका अपने YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और यहाँ पे लिए थे मैंने मसाले, क्योंकि मसाले हो चुके थे ख़त्म। जैसा कि सामने आप देख ही सकते, थाली में रख लिए हैं क्योंकि मिर्ची है, धनिया है, गरम मसाला है, साबित मिर्ची है, सूखा धनिया है, जीरा है, ये सब ख़त्म हो गया था। तो मैंने बोला ले लेती हूँ। और सामने आप देख सकते दलिए के पैकेट रखे हैं क्योंकि आंगनवाड़ी से मिलते हैं, मैंने आपको बताया ही सोना को, तो डिब्बे वही ढूँढ ढूँढ के उनमें खाली हो गए थे, तो उनमें मसाले मैं रखती जा रही हूँ और समय बैठती भी जाऊंगी। और क्योंकि मैंने इसलिए रखे क्योंकि मिर्ची इधर उधर ना उड़ जाए, और पंखा बंद कर दिया क्योंकि मिर्ची थोड़ी सी भी बच्चों को या नाक वगैरह में लग गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको इसमें रखी हूँ। और फटाफट से इनको डब्बे में भर दूंगी, जो भी खाली डिब्बे हैं। थोड़ा सा सामान ली हूँ पर इतना महंगा आया है ना, बहुत ज़्यादा महंगा आया है, पर कोई नहीं, अब ये ज़रूरती की चीज़ें तो लेनी ही होती हैं। तो खड़े मसाले आपको पता ही है, और ये पास्ता लिए मैंने, मतलब जो जो मुझे लगा कि नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया ख़त्म हुए तो ले लेती हूँ। अब ये है हल्दी, मैंने पावर मिर्ची, ये मेरे काफ़ी टाइम के लिए हो गए, मतलब महीने डेढ़ महीने के लिए मुझे मसाले लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इनकी हींग बहुत अच्छी आती है, हींग के बिना कढ़ी ये सब नहीं बन सकता, तो हींग की मैंने बड़ी डिब्बी ली थी जो 100 रुपये की आती है, वो मेरी 4 या 3 महीने आसानी से चल जाती, काफ़ी बड़ी आती है, कढ़ी में, आलू में, मतलब जो हींग की चीज़ें होती हैं उनमें डालने में, हींग के बिना तो मुझसे जल्दी से नहीं होता। जब भी कढ़ी वगैरह बनानी हो तो ज़रूरत पड़ती है, तो ढूंढो तो मिलती नहीं, तो मैंने सारा कुछ कोशिश पूरी की कि जो भी कुछ भी ना रहे, क्योंकि एक बार ले लो बार बार भागो तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। तो मेरी मिर्ची पलट गई है, हल्दी भी पलट गई, और ये थोड़े थोड़े मसाले थे, ये छोटे छोटे डब्बे मैंने पहले से ही धो लिए थे, जब मसाले ख़त्म हो गए थे जब ही मैंने धो लिए थे। तो फ़िलहाल इनको सबको और पन्नियों को साथ के साथ समेटती जाऊँ, क्योंकि बच्चे आ जाएँ फिर इनको पकड़ लेंगे तो आके अभी सुनाने लग जाएँ, डांटने लग जाएँ, एक काम करती हूँ वो भी ध्यान से नहीं करती हो, तो इसलिए। तो मेरा मसाला यहाँ पे भर गया है, थोड़ा बहुत डब्बे तो वैसे सारे ही खा ले क्योंकि चली गई थी, उससे पहले ले नहीं पाया था। और सूखी मिर्ची मैंने ऐसे ही डिब्बे में रख दी है, और इसमें कर दूंगी जीरा। जीरा मैंने काफ़ी सारा लिया है, काफ़ी दिन के लिए फ्री हो गई, ये देखिए बहुत सारा है, क्योंकि जीरा सब ये आपको पता ही है, नॉर्मली चीज़ें इन चीज़ों के बिना सब्जी और ये सब नहीं बैठता है, तो इसलिए। चलिए मसाला भर गया है मेरा, और ये सारा सामान हटा के यहाँ पहले लगाऊंगी झाड़ू के बाद इतने में पोछा लगाऊंगी। और देखिए सरप वगैरह भी लेके आए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा सारा कुछ भर लिया है घर में, फिर अच्छा नहीं लगता ना ख़त्म हो जाए, तो इस वजह से। और यहाँ पे इसमें गरम मसाला कर दूँगी, और इसको अच्छे से पोंछ दूँगी यहाँ पे, क्योंकि पैरों में किसी के मिर्ची ना लगे। तो चलिए इसको समेट देती हूँ, फिर अपने जो भी काम है उस काम में लग जाती हूँ, इसको कर देती हूँ बंद, क्योंकि मुझे इस काम करने में बहुत जल्दी था, इस वजह से। तो ये हो गया है मेरा काम, और बाकी का देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, क्योंकि नहाने से पहले ही मैंने सामान भर दिया था, मैंने बताया था मिर्ची वगैरह का, इसलिए तो जल्दी जल्दी नहा के आ गई। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा झाड़ू मारना है, क्योंकि मिट्टी ना इधर आ रही थी, हल्का हल्का मारूँ, क्योंकि नहा के आ गई हूँ ना, धूल मिट्टी ऊपर आएगा, तो फिर भी आपको पता ही कमरे के आगे आ तो मैं पन्नी वगैरह उधर कर दी हूँ, पर अभी उठाऊंगी नहीं, क्योंकि नहा ली हूँ फिर सारा मिट्टी ऊपर आएगा उड़ेस, इसलिए मोटा मोटा कचरा उठा के फेंक देती हूँ। कमरे के आगे आ रहा था और वो सोना पकड़ पकड़ के मुंह में दे रही थी, मिट्टी खा रही थी, तो इस वजह से। और आजकल मैं नीचे ही कपड़े सुखा लेती हूँ, छत पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकलती है तो मेरा हो जाता है। और देखिए सारा पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी भरना आपको पता ही, ज़रूरी टंकी में रहता नहीं, इस वजह से। तो यहाँ क्या हो गया है, और सुबह उठाऊंगी और हाथ पे धो लिए, क्योंकि खाने की तैयारी करनी है। खाने की तैयारी के लिए आप ये चीज़ें देख रहे होगे, ये मैं क्या है तो बनाऊंगी जब दिखाऊंगी, फ़िलहाल मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। और अभी नहीं लिया है, टाइम हो गया है इसको, 2-3 घंटे हुए हैं ले हुए, यही लेके आए थे, मैंने नहीं लिया है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो मैं पास से दिखाऊँगी, पहले इसको अच्छे से धो लेती हूँ फिर करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्या है ये, और क्या चीज़ मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के साथ।
साथ बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग देखिएगा और कौन कौन जानता है ये भी मुझे बताइएगा। चलिए धुल गया है फिर करती हूँ। हाँ मैंने थोड़ी सी मैगी बनाई बच्चों के लिए, उसमें मैं भी खा लूँगी। तो ये देखिए प्लेट में ले लिए, चलिए तो खा लेते हैं। आप भी खा लीजिए, सादा सिंपल बनाइए। जो मैगी मसाला आता है ना बस वही डाल के बनाया और कुछ भी नहीं डाला, और ऐसे ही बच्चों को ज़मीन पर रख दिया है। और आप भी खा लीजिए और हम और बच्चे खा लेते हैं। मैगी खाने के बाद आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। ये हैं बंद करेले, हमारे यहाँ बंद करेले बोलते, कहीं कहीं जंगली करेले भी बोलते हैं। मेरी सास इनको बहुत बनाती थी, बहुत अच्छे बनते थे। अब आप कहेंगे इतने से हो जाएंगे, हो जाएंगे, कर लूँगी एडजस्ट, क्योंकि कर लेते इतने से ही हो जाएगा। तो इनको धो तो अच्छे से लिया ही था और इनको छोटा छोटा काट लेती हूँ। और आप प्लीज़ बताइएगा कौन कौन इनको जानता है और इसकी सब्ज़ी किस किस ने खाई है, मैं इंतज़ार करूँगी। और मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ दी हैं, तो आशा करती हूँ ये भी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करिएगा, इतने में ही हो जाता है, अच्छी बनती है। पर अब बहुत ये महंगी थी, आई थी बिकने, तो ये ले लिए क्योंकि इनको पता है मुझे बहुत पसंद है, मेरी सासू माँ बनाती थी, तो आज आया तो ले लिए। तो फटाफट से इनको काट लेती हूँ, छोटे छोटे पीसों में काट लेती हूँ। और ये बहुत बनाना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैंने तवे पे ही तेल डाल दिया है, तवे पे लोहे की चीज़ पे अच्छा बनता है। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो तवे पे हो जाए, क्योंकि थोड़े से तो है ही। तो साबुत मिर्ची लहसुन डाला है मैंने, इसको भूनने के बाद अच्छे से भून लूँगी, हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तब। और देखिए हमारा भुन चुका है और इसमें डाल दूँगी बंद करेले। मैं बंद करेले बार बार इसलिए बोलती हूँ, हमारे यहाँ यही बोलते हैं इसलिए। तो इसमें डाल दिया है और इसमें बस मुझे नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना। और इसे बीच बीच में हिलाते रहना है, ऐसे नहीं नहीं हिलाना है, बीच बीच में आपको देखते रहना है कितने टाइम लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और इसमें हम थोड़ा सा भी पानी नहीं गेरेंगे, सिर्फ नमक डाल के इसको बनने के लिए रख देंगे। क्योंकि सूखी मिर्ची मैंने डाली दी थी, सूखी मिर्ची लहसुन से तड़का दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे और इसको ढक देंगे, ये बनती रहेगी। तो बस इसको ढक दिया है और थोड़ी देर बाद बीच बीच में देखते रहेंगे हम सब्जी को। तो ये देखिए बन के हो गई है तैयार, मैंने डोंगे में निकाल ली, कितना धुआं निकल रहा है ना। ये देखिए मैं आटे के घास से दिखा रही हूँ क्योंकि आटा गूंद रही हूँ ना इस वजह से। तो सब्जी हो गई है तैयार, चलिए रोटी बना के और बच्चों को खाना दे देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, करते हैं ढेर सारी बातें। ये देखिए मैंने बनाई लहसुन साबुत मिर्ची की चटनी, क्योंकि इतनी सब्जी होती नहीं ना तो हम तो गुजारा कर लेते हैं। तो ये देखिए चटनी रख दी है और बंद करेले रख दिए। तो यही था वीडियो और आप लोग भी ट्राई करिएगा लहसुन और साबुत मिर्ची की चटनी। कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आई हूँ मैं वंशिका के ट्यूशन की बात करके, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 5-6 महीने हो गए ट्यूशन नहीं जा पा रही थी और जो भी याद था वो भी भूल गई थी। वैसे गई थी ट्यूशन, मतलब पहले जहाँ जाती थी वहाँ जाती थी, पर बीच में फिर मैं अब कहीं मेरे घर में कुछ हो गया, मैं ससुराल चली गई, कहीं कुछ। तो पिछली साल भी उसकी ऐसे ही निकल गई, इस साल भी ऐसे ही निकल गई। तो मैं नहीं चाहती, मैं गवार हूँ, मेरे बच्चे भी गवार हो, मैं इतना नहीं पढ़ पाई, बच्चे तो मेरे पढ़ ही जाएं, अच्छे से अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा हो, हर कोई माँ चाहती है। मैं अपने बच्चों के लिए हर परेशानी सह लूँगी, पर मैं अच्छे बच्चों को अपने को अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। शायद क्या 100% इसीलिए आई हूँ, बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए। तो बस थोड़ा सा थक गई हूँ मैं, पर मैंने बोला ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा मुझे करना नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला आप लोगों से बातें कर लूँ, आप लोगों के हाल चाल पूछ लूँ। बस आके ही बैठी हूँ और टाइम हो रहा है 6:30 बजने जा रहे हैं शाम के। दूध लिया है? जीरा नहीं मिला, कोई बात नहीं, रख दो, 10 रुपये बचे, रख दो। दूध लेके आए, हमारे दुकान का दूध आता है अमूल दूध है, बस वो मंगाया है, उसे धोऊंगी और फ्रीज में फिर उसे रख दूंगी मैं। शाम को दूध मंगाती हूँ, सुबह एक हमारा चल जाता है पूरे टाइम, बच्चों को दे देती हूँ और बच्चे पी लेते हैं और हमारी दो टाइम की चाय बन जाती है। अमूल का तो आपको पता है कितनी अच्छी क्रीम आती है, तो इसलिए। तो इनकी ट्यूशन की बात करके आई हूँ, अभी इसको ट्यूशन जाना पर हुई नहीं है कुछ, अब अच्छा सा मिला नहीं है, देखते हैं कब होता है कब नहीं होता है। अब प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा फुल वॉच करिए, तभी मेरा सपोर्ट हो पाएगा। तो चलिए यही था आज का, और आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी, जो मैं न्यू रेसिपी लेके आती हूँ, आपने शायद यहाँ पे दिखाई भी नहीं गई हूँ, मैं ऐसी रेसिपी लेके आती हूँ,
शायद अभी इतना वो नहीं है, पर आगे चल के मेरी रेसिपी को और भी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, क्योंकि इतना अच्छे से लेके आती हूँ। बाहर के कोई सामान नहीं लाना होता, जो घर में होता है उन्हीं से बनाते हैं। नहीं, सब बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए, कोई भी चीज़ में पैसा वेस्ट करने का नहीं होता, सब कुछ मैं घर से ही होता है वही डालती हूँ। और थोड़ी सी खांसी हो गई, मेरा गला भी बैठ गया है, पता नहीं क्या ऑटोमेटिक ही हो जाता है, समझ में ही नहीं आता क्या है क्या नहीं है। और सोना की तो अभी इतना टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि वो तो अभी छोटी है, पर मुझे बड़ी बेटी की बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा वो पढ़ लिख जाएगी, मेरी भी मदद होगी, मेरी भी हेल्प हो, मुझे कुछ भी नहीं आएगा तो वो मुझे बता सके मम्मा ऐसे नहीं ऐसे कर। तो आप लोग समझ सकते हैं, माँ बाप जो ना कर पाए वो बच्चों में अपना सपना देखते, तो मेरा भी यही सपना है। बस आप क्या कहते हो, आप लोग भी बताइए। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ जो मैं ऐसा सोच रही हूँ, हर किसी की इच्छा होती है। तो मेरी इच्छा ज़रूर पूरी, मेरे छोटे छोटे से सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। उम्मीद देखिए, उम्मीद कहाँ तक लेके जाती है। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हो, क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चा पढ़ेगा नहीं तो जो भी याद होता है वो सारा दिमाग में से निकल ही जाता है इसलिए। और मैं मुझे कितना कुछ है मुझे आता होता, और मेरा चैन डिसेबल तो मैं इधर उधर सबसे पूछती ना फिरती, खुद से कर लेती है ना, इसीलिए ये है थोड़ा सा। और वो होता तो किसी से मदद ना लेनी पड़ती, मैं खुद वो कर पाती, सबसे मुझे पूछना पड़ता है ये कैसे करना ये कैसे करना। जब खुद को आए, खुद पढ़े लिखे हो तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कोई नहीं, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी हो जाएगी, वो मुझे बताया करेगी, उसका अच्छा फ्यूचर हो पाएगा और ये ज़रूर होगा। क्योंकि कहते नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो आप लोग कमेंट करते होते ये हकीकत होगा, कब होगा ये मुझे नहीं पता, पर जल्द होगा। तो चलिए, मुझे दीजिएगा इजाज़त और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।